आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस तरह के वेक्टर आर्ट कैसे बनाए बताने वाला हूँ, वो भी फ्री में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इन्हें फ्री में बना सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब ऐप में चलते हैं। इस ऐप का नाम टून मी ऐप है और ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बट ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसमें जब आप फोटोज़ या इमेजेस कुछ बनाते हैं तो आपको वहाँ पर एड्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ वाटरमार्क भी देखने को मिलता है। अगर आप फोटोज़ का वाटरमार्क हटाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप उसे खरीदिए और प्रो वर्जन लीजिए, या फिर आपको वहाँ पर एक ऐड देखनी होती है, इसके बाद वाटरमार्क हट जाता है। बट मैं आपको आज यहाँ पर बिल्कुल फ्री मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप इसे बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमें कौन कौन से इफेक्ट और वेक्टर आर्ट बनाने के लिए मिलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें कितने सारे यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो हम हमारी फ़ोटो पर लगा सकते हैं और अपने वेक्टर आर्ट को इस तरह से बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको तीन टैब्स मिलती है, टॉप, ट्रेंडिंग एंड रिसेंट। इसी की तरह यहाँ पर अगर से कोई फेस्टिवल या ओकेशन आता है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे अलग से एक टैब मिलती है। यहाँ पर हमें सारे उस फेस्टिवल या ओकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स और इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम अपनी फ़ोटो इस तरह से कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी भी एक इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये वाला, और जस्ट अपने फ़ोटोज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। यानी आपको नीचे फ़ोटोज़ देखने को मिल रहे हैं, इसमें से आप किसी भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, रोटेट, फ्लिप एंड क्रोप। आप यहाँ से अपनी फ़ोटो को जिस तरह से क्रोप करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और एडजस्ट करने के बाद आपको बस ये एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसेसिंग होंगी। सकते हैं कि हमारा वेक्टर आर्ट बन के रेडी है। यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एनिमेट, आर्ट एंड इफेक्ट एंड टेक्स्ट। अगर से आप यहाँ एनिमेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि आप अपने फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, इसके बाद आपको वो इफेक्ट इस पर देखने को मिलेगा। इस तरह से आप इन पर इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स दिए जा रहे हैं, अगर से आपको यहाँ फिल्टर्स लगाने हैं तो आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। और अगर से आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है, कुछ लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो कितना दिखना चाहिए कितना नहीं। यहाँ पे आपको फॉन्ट मिल जाते हैं। अगर से आपका फ़ोटो बराबर से क्रॉप नहीं हुआ है या फिर सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आप यहां से आकर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इसे अपनी गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। यहां से आप चाहे तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं और यहां से डाउनलोड करने के बाद ये आपके गैलरी में आ जाएगा। इसी तरह से अगर से हम कुछ और इफ़ेक्ट्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अमेजिंग इफ़ेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम इस फोटो पर ट्राई करते हैं तो यहाँ काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स एंड टेम्पलेट्स दिए गए हैं, तो आप इस ऐप में आकर इन्हें और एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने फ़ोटोज़ को इसी तरह के बेस्ट और अमेजिंग वेक्टर आर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे करना है, वो भी फ्री में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर ब्लू लिंक पर क्लिक करना है
इसके बाद आपको एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको 10 सेकेंड्स वेट करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है, इसके बाद कंटिन्यू करना है। ऐसा आपको 3 टाइम्स करना होगा। जैसे आपके 3 टाइम्स हो जाता है, आपको फिर उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।